नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की तरह क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में काम करने जा रही सरकार हर जिले और ब्लॉक में प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर सीएम राइज स्कूल खोलने जा रही है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्कूल न केवल निजी और सरकारी शिक्षा के अंतर को कम करेंगे, बल्कि प्रदेश में दिनों दिन बदहाल हो रही ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थाएं भी पटरी पर लौट सकेंगी। कैसे होंगे ये स्कूल, शिक्षा का स्तर सुधारने में इनसे कितनी मदद मिलेगी, इसके साथ ही बात इस पर भी होगी कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूली शिक्षा आखिर बेपटरी हुई कैसे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कहीं 90 के दशक में मनमाने तरीके से हुई शिक्षकों की भर्ती भी तो जिम्मेदार नहीं। ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब हम इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में नए प्रस्ताव के साथ शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। इन स्कूलों को सीएम राइजिंग स्कूल कहा जाएगा। प्रदेश में ऐसे 350 स्कूलों से शुरुआत की जा रही है। इनमें आधारभूत सुविधाओं, खेल मैदान, शिक्षा और टीचर्स की कमी नहीं होगी। इसके बाद हर राइजिंग स्कूल के आसपास के 15 किलोमीटर में मौजूद दूसरे स्कूल भवनों को शासन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रियों ने इस नए प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। स्कूल शिक्षा विभाग इन राइजिंग स्कूल्स के जरिए एकेडमिक टारगेट को पूरा करेगा। हर जिले या ब्लॉक में एक सीएम राइजिंग स्कूल होगा, जिसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक की न केवल शिक्षा मिलेगी, बल्कि बच्चों को उनके घरों से स्कूल लाने छोड़ने की सुविधा भी बस सुविधा के जरिए दी जाएगी। इन स्कूलों के आसपास 15 किलोमीटर तक फिर कोई दूसरा स्कूल नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खुलने जा रहे हैं। इन सरकारी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाई होने के साथ ही विश्व स्तरीय सुविधाएं विद्यार्थियों को मुहैया कराई जाएंगी। प्रत्येक स्कूल पर 20 करोड़ की राशि सरकार खर्च करेगी। इन स्कूलों में कवर्ड कैंपस, स्मार्ट रूम, स्मार्ट क्लासेस, आईटीसी लैब, म्यूजिक रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम सहित बैंकिंग काउंटर, कैफेटेरिया, क्रिएटिव थिंकिंग एरिया, जिम, एनसीसी जैसी सुविधाएं भी रहेंगी। ब्लॉक स्तरीय स्कूलों में ऑडिटोरियम, शिक्षकों के लिए मकान की सुविधा भी रहेगी। जिला स्तरीय स्कूलों में स्विमिंग पूल, डिजिटल स्टूडियो, ट्रैक और फील्ड के साथ ही सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार ने 2023 में सीएम राइज योजना के स्कूल शुरू करने का लक्ष्य रखा है। नई शिक्षा नीति में 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पुराने स्कूलों को इनमें मर्ज करने को कहा गया है। तो ये बात तो हुई शिक्षा की दशा में सुधार की जो भावी योजना है। बात मौजूदा हालात की कीजिए, यानी वर्तमान में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। तो प्रदेश में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सर्वे बताते हैं कि कक्षा 5 के 28% बच्चे कक्षा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाते। इसी तरह चौथी कक्षा के 15% बच्चे गणित में घटाने के सवाल, जोड़ने के सवाल तक नहीं कर पाते हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक या तो है ही नहीं या फिर वहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षक के अधिकार कानून के अनुसार प्राथमिक स्तर के स्कूलों में कम से कम 2 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 3 शिक्षक जरूरी होने चाहिए, लेकिन अनेक स्कूलों में ये संख्या भी मौजूद नहीं है। इसके विपरीत कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत स्वीकृत संख्या से अधिक शिक्षक हैं, यानी कहीं तो शिक्षक है नहीं और कहीं जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती कर ली गई है। प्रदेश में 72,000 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है। ये आंकड़े भी बहुत जरूरी हैं आपके लिए जानना। बिजली के कनेक्शन 72,000 स्कूलों में नहीं है। 18,000 स्कूलों में एक एक शिक्षक है। 58,000 स्कूलों में जर्जर भवन पड़े हुए हैं। अब ऐसे में आप खुद ही समझिए कि वर्तमान में ये हालात हैं, तो उन्हें दुरुस्त करना चाहिए या कुछ नए स्कूलों का निर्माण होना चाहिए। हालांकि इस योजना का हम स्वागत करते हैं और मुझे लगता है पूरा प्रदेश इस योजना का स्वागत कर रहा होगा, जो क्योंकि खासतौर से जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया।
अब कई तरह के सवाल होंगे जिस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है राइजिंग स्कूल्स के बारे में डिटेल में जानना और ये भी जानना कि अब तक जो स्कूल चल रहे थे उनकी दिशा और दशा बिगड़ी क्यों, आखिर क्यों चिंता का विषय बन गया मध्य प्रदेश में शिक्षा का विषय। और चलिए इसी पर हम आगे जानकारी लेंगे, आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं, वैसे काफी अच्छा फॉर्मूला है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, वो क्वालिटी एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूलों में हम भरमार बड़ी बड़ी फीसें देकर अपने बच्चों को दिलवाते हैं, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश में तमाम चीज़ें होंगी तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे की कहानियां भी हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए कि आखिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है राइजिंग स्कूल खोलने की। देखिए पारुल, पिछली सरकार थी, कमलनाथ सरकार थी, वो उस भी इस दिशा में बड़ी थी और उन्होंने विदेश के दौरे भी किए थे जिसपे 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें अरुण समी भी गई थी, रश्मि अरुण समी भी गई थी, और 200 शिक्षकों, प्राचार्यों का और अधिकारियों का दल गया था। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली में दौरे किए थे, दिल्ली के स्कूल देखे थे। मध्य प्रदेश की एजुकेशन व्यवस्था की हम बात करें, स्कूलों के हालात की बात करें, तो हम देखते हैं कि सरकार ने शिक्षकों की परीक्षा ली, 70% शिक्षक दूसरी बार भी परीक्षा देने में फेल हो गए, पहली में 30% ही पास हो पाए और फिर उनको किताब देकर आंसर देने को कहा कि किताबें रख दी, इसमें भी शिक्षक पास नहीं हो पाए। मतलब शिक्षक हमारे कैसे हैं तो एजुकेशन व्यवस्था हमारी कैसी होगी। छात्रों की हम बता ही रहे हैं, अपने पैकेज में हमने दिखाया है किस तरह से 10वीं तक के छात्रों को हिंदी पढ़ना नहीं आती। मैं आपको अपने मध्य प्रदेश के पूरे स्कूल की व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ कि हमने किस तरह से अतिथि शिक्षक भर लिए, पंचायतों से भरवा लिए, जो ना पढ़ने लायक हैं ना पढ़ाने लायक हैं, जिनको खुद पढ़ना नहीं आता वो दूसरे को क्या पढ़ाएंगे। एक दमोह का एक किस्सा है, आपको पता है पिछली सरकार में, ये शिवराज सरकार में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसने पूरे देश में हमारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी मध्य प्रदेश की। एक शिक्षक की मालिश कर रहा था एक छात्र और वो पढ़ रहा था, 5वीं का छात्र था, पढ़ाई करते मालिश कर रहा था और बोर्ड पर पहाड़े पढ़ रहा था, वो भी नहीं पढ़ पा रहा था, उस शिक्षक को निलंबित कर दिया गया था। और इसके बाद ऐसे कई मामले हम देखते हैं कि स्कूलों में ताले नहीं खुलते, 3-3 दिन तक शिक्षक नहीं जाते, और कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे शिक्षक हैं लेकिन वहाँ बच्चे नहीं जाते। शिक्षकों पे आपने, जो शिक्षक हैं आप पे, उन पे इतना काम लाद दिया है कि जनगणना उनसे करा रहे हो आप, सर्वे उनसे करा रहे हो आप, चुनाव के काम सब उनसे करा रहे हो, तो काम इतने करता है शिक्षक, पढ़ाई के अलावा सारे काम करता है। तो एक तो आपकी व्यवस्था ख़राब है, शिक्षकों को आपने दूसरे काम लाद दिए हैं, दूसरी आपने अच्छे शिक्षक मतलब जो पढ़ा सकें ऐसी कोई क्वालिटी वाले शिक्षकों की भर्ती नहीं की, आपने भर्तियों में पूरी शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दिया। बिल्कुल, आपको पढ़ाना नहीं आता, आपने ऐसे शिक्षक भर दिए तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, वो तो या तो ताले लगाएंगे स्कूल में या बैठे रहेंगे वहाँ के मालिश करवाएंगे या फिर बच्चों से खेल कूद कराएंगे, या बच्चे आए या ना आए उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमारी एजुकेशन व्यवस्था ऐसे बदतर हो गई, अब उसको ठीक करने का सवाल उठ रहा है। ये व्यवस्था, इसकी तारीफ की जाना चाहिए जो आए सीएम राइजिंग स्कूल वाली व्यवस्था, तारीफ करनी चाहिए। और हम देखो दिल्ली कितना अच्छा एजुकेशन में पूरे देश दुनिया में, जब से आम आदमी की सरकार बनी है स्कूलों की बात की जाती है, दिल्ली का उदाहरण दिया जाता है। हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का एक दल दिल्ली भी गया था जो वहाँ के स्कूलों की व्यवस्था देख कर आया था। उस व्यवस्था में सरकार का काम है आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, बिल्कुल, पानी, सड़क की व्यवस्था देने का सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन हम उस प्राथमिकता में बहुत पीछे हैं। बच्चों का अधिकार है। दीपक विजयवर्गीय जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए, उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं, हम आगे भी बातचीत करेंगे। दीपक जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। दीपक जी, हम राइजिंग स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में आगे हम देखेंगे 350 स्कूल, लेकिन सवाल यही कि इन्हें खोलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, जो पुराने स्कूल हैं उन्हें दुरुस्त नहीं किया जा सकता, तमाम सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये भी आप कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर के दायरे में कोई और दूसरा स्कूल नहीं होगा। देखिए ऐसा है कि स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए, लेकिन हुआ यह है कि कांग्रेस के दौर में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 2003 के बाद हमने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया है। मेरे पहले जो मित्र चर्चा कर रहे थे, ये बात जरूर है कि शिक्षा का स्तर बहुत सारे दूसरे राज्यों से हमारा पीछे है जी। और इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए नए कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई है, ताकि मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्य बने शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमने पिछले 15 वर्षों में उन्नति लगातार की है, आगे बढ़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, शिक्षकों के जरिए, लेकिन जितनी जरूरत है मध्य प्रदेश की, जितना हमको आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाए हैं, उतना लोगों को पीछे नहीं कर पाए हैं, दूसरे राज्यों से हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए।
तो राज्यों के समकक्ष खड़े हो या उनसे आगे निकले, उसके लिए ये कदम उठाया गया। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन देखिए अब इन स्कूल्स को शुरू करेंगे, पैसा तो जनता का ही है जो कहीं ना कहीं योजना में उपयोग होता है। अब इन स्कूलों पर अलग खर्चा आएगा, जो पुराने टीचर्स हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, ये नए टीचर्स क्यों, हम क्या बच्चों के बीच में, अगर ग्रामीण बच्चे हैं दूसरे स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो बच्चे इन राइजिंग स्कूल में पढ़ेंगे उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, एजुकेशन में क्या आप भेदभाव नहीं कर रहे? नहीं देखिए, ऐसा है कि जो भी बच्चे इसके लिए चुने जाएंगे, पहले भी मैं समझता हूँ कि पिछले 50-60 सालों से हमेशा ये होता है, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम हर गांव में जो है और दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूलों का जो खर्च है पर छात्र उतना ये देश वहन कर सके। और इसीलिए बिना किसी आप राजनीतिक दल या इस पर चर्चा किए, पिछले 70 सालों में लगातार इस तरह के प्रयास हुए हैं कि हर जिले में कुछ ऐसे स्कूल जरूर हों जहाँ पर उस जिले के प्रतिभाशाली बच्चे चयन करके भर्ती किए जाएं और वो देश के श्रेष्ठ स्कूलों की तरह शिक्षा दें और ग्रामीण बच्चे भी उस पैरिटी के साथ अपना स्तर सुधार पाए। ब्रजेश जी हमारे व्यूअर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सर आगे सवाल वो भी आपसे करेंगे। ब्रजेश जी, तो दीपक विजयवर्गीय जी की बातों को आप भी सुन रहे हैं, देखिए लेकिन क्या लगता है कि हम, क्योंकि ये तो एक तरह से खर्चा बढ़ाने वाली भी तो बात है। देखिए खर्चे पे हम ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, खर्चा तो बढ़ेगा। आप जो पुराने स्कूल हैं पारोल दी हमको ठीक करेंगे तब भी खर्चा बढ़ेगा, लेकिन जो व्यवस्था हो रही है वो उसकी स्वागत योग्य कदम है। रही बात ये कि 15 सालों में क्या किया आपने, प्रदेश में 80,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उन शिक्षकों को बेहतर करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। इसके अलावा 15 साल में यदि आप करते, हम बाकी के सालों की बात ना करें, जी विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि साहब शिक्षा का स्तर लगातार गिरता गया, मध्य प्रदेश की शिक्षा का स्तर ये है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, लोग अपने बच्चों को 10th 12th, मध्य प्रदेश में IAS IPS हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली में हो पुणे में हो, मध्य प्रदेश की डिग्री नहीं चाहता कोई, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहता क्योंकि उस डिग्री से कोई फायदा नहीं होता। हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि शिक्षा व्यवस्था हमारी बदतर हो गई है। एजुकेशन की जो स्थिति हुई है उसमें 15 साल में सरकार ने क्या कदम उठाए, ये विजयवर्गीय जी से जानना चाहूँगा मैं कि क्यों नहीं हुए। चलो आप देर आए दुरुस्त आए, अभी का कदम तो बहुत अच्छा है लेकिन ये पहले हो जाना चाहिए था। देखिए मेरा आग्रह और निवेदन इतना है कि मेरे मित्र किसी भी एक ब्लॉक में जाए, मध्य प्रदेश के किसी भी एक ब्लॉक में जाए, 300 सब जगह जाने की जरूरत नहीं है, एक ब्लॉक में जाए और वहां 15 साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, किसी भी स्कूल की क्या स्थिति थी, कन्याओं के स्कूल की क्या स्थिति थी, आदिवासी स्कूलों की क्या स्थिति थी, 50 सालों में क्या हुआ था और पिछले 15 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव आया है इसको महसूस कर रहे हैं। ये बात मैं भी मानता हूं कि जितनी जरूरत है इस देश की, जिस प्रदेश की, उतना नहीं हो पाया और इसीलिए नए नए कदम उठाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमने पर्याप्त ध्यान दिया है, पर्याप्त कदम उठाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त सुधार हुआ है, लेकिन ये नाकाफी है, इसको मैं मानता हूं। बिल्कुल, लेकिन हाल ही में जो टीचर्स के एग्जाम्स लिए गए थे सर, बुक्स सामने रखने के बाद भी वो टीचर्स उस बुक के साथ भी वो आंसर शीट को नहीं फिल कर पाए, और ऐसे शिक्षकों के साथ अगर कोई भी स्टूडेंट हो, आप सभी को एक साथ मानिए ना, एक समान मानिए ना, अगर ऐसे टीचर्स के साथ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ऐसे शिक्षक गुरु जी दे रहे हैं ज्ञान, तो भला कैसे चलेगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बेहतर इस देश में हो कि देश के सभी 6 लाख गाँव का जो स्कूल है वो दिल्ली या मुंबई के सबसे स्कूलों की तरह हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा पाए, लेकिन इस देश के संसाधनों की अपनी सीमा है और इसीलिए सर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पूरे जिले के जो सबसे अच्छे बच्चे जो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सबको कोई डॉक्टर नहीं करना, सबको विशेषज्ञ नहीं बनना है, सबकी अपनी अपना करना है, लेकिन जो शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ है उनको तो पर्याप्त सुविधाएं मिले। 5वीं कक्षा का छात्र ये तो एक्सपेक्टेशंस करता होगा कि मेरे गुरुजी मुझे ऐसा तो पढ़ाए कि मैं दूसरी क्लास की किताब पढ़ सकूं, अगर 5वीं कक्षा का छात्र दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाएगा तो कैसे चलेगा? जो दिक्कतें हैं उनको महसूस करते हैं, उसको सरकार महसूस करती है और इसीलिए कदम उठाए जा रहे हैं। आप बने रहिए, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। फिरोज सिद्दीकी जी, पहले तो ये डिसीजन आपको कैसा लगा, कांग्रेस को कैसा लगा, राइजिंग स्कूल 350 स्कूल खोले जाएंगे, कंप्लीटली क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा, हर वो फैसिलिटीज जो आप बड़े बड़े स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस देकर लेते हैं वो बच्चों को राइजिंग स्कूल सीएम राइजिंग स्कूल में मिलेंगे, कैसे देखते हैं इसे? देखिए ऐसा है कि मीडिया की हेडलाइन बनाना है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए इसी शिवराज सिंह सरकार का, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट जो है मध्य प्रदेश का है, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट है नंबर एक। नंबर दो, 22,000 स्कूल लगभग जो इन्होंने हमको दी थी सरकार, तो 22,000 स्कूल शिक्षक विहीन थे।
अभी मैंने सुना है कि 13-14-15 हजार स्कूल जो है वो सरकार बंद कर रही है। तो जब आपकी व्यापम से आए हुए भर्ती किए हुए टीचर हैं, इनके पास जो 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 कॉपियां फिल नहीं कर सकते, अभी अतिथि शिक्षकों ने सीएम को उस रीवा में घेरा था कि आप ना हम लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं ले रहे, सीएम ने कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई जवाब नहीं मिला उनको। जब ये सब चीजें हैं, आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है किसी चीज का, और बेसिक्स आपके पास है नहीं। अब आप कहते हैं हम राइजिंग स्कूल खोलेंगे, तो आप खोल लीजिए राइजिंग स्कूल और बना लीजिए, आपको जो करना है वो, अगर ये आपको घोषणा करना है तो ये अच्छी बात है, करिए आप घोषणा। विपक्ष की सकारात्मक भूमिका भी तो होनी चाहिए ना, कि अगर हम 90 का दशक देखें, दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल देखें, विपक्ष की है। आपको किसका याद होगा दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में, जब वो निकले थे किसी गांव से, तो टीचर ये बता रहे थे कि गंगा जो है मरकटक से होकर गुजरती है, तो दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था कि भाई ऐसा नहीं है, प्रयागराज से निकलती है। उस वक्त नाम कुछ और था, लेकिन फिर उस टीचर ने जो कहा था वो भी आपको याद होगा कि 500 रुपए में इतना ही मिलेगा, मरकटक से ही निकाल पाएंगे वो गंगा को, याद होगा सर। ऐसा है, विरोध करना है तो सिर्फ विरोध ही करना, ऐसे नहीं चलेगा ना सर। नहीं नहीं, अब आप ये बताइए, जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या? आप 15,000 स्कूलों की को बंद करने की स्थिति में हैं, आप 22,000 स्कूल आपके शिक्षक विहीन हैं, आपकी खुद के जो गुणवत्ता के पास टीचर नहीं है, जो जिन लोगों को सिलेक्ट हो गए व्यापम से आप उनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई रिपोर्ट्स हमने भी देखे फिरोजी, जनता मूर्ख नहीं है, कि जहां बच्चे ही नहीं पहुंच रहे हैं लेकिन टीचर मौजूद है, जहां बच्चे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां टीचर मौजूद हैं, या जहां पर बड़े बड़े भवन तो हैं लेकिन बच्चे बहुत कम पहुंच रहे हैं, और ऐसे स्कूलों को अगर दूसरी जगहों पर मर्ज किया जा रहा है, तो शायद आपकी भी गवर्नमेंट होती तो आप किस तरह से देखते हैं, मुझे नहीं पता। बताइए आप, मुझे ये बताइए पूनम जी, कि बच्चे पैदा होना बंद हो गए क्या? जनसंख्या रेट खत्म हो गया क्या देश का? नए बच्चे तो तमाम सर्वेस को गलत मान लिया जाए। ब्रिजेश चौक से जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सर्वेस को गलत मान लिया जाए, ब्रिजेश जी कैसे देखते हैं आप दोनों की बातों को सुन रहे हैं? देखिए पारोल, फिरोज जी कह रहे हैं कि सारे स्कूल बंद कर दिए जाए या 15,000 स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, कि कितने तो बंद स्कूल वो खुले ही किस काम के हैं, जहाँ पे ना शिक्षक हैं, आपने एक ढांचा खड़ा हुआ है स्कूलों का, ना बच्चे हैं, तो ऐसे स्कूल तो बंद कर दी जाना चाहिए। जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम बसों से लाएंगे बच्चों को आसपास के, बच्चों को लाएंगे 15 किलोमीटर के दायरे में, एक ऐसा स्कूल खोलेंगे जो बच्चों को बस में आने जाने की व्यवस्था भी देंगे, तो निश्चित तौर पर वो ठीक है। इनकी सरकार ने तो पैटर्न ही करती रही, 5 जगह दौरे किए, बेंगलोर, दिल्ली और आपका विदेश तक के दौरे किए इन्होंने, जिस पर 7 करोड़ खर्च किए, 200 अधिकारी गए इन्हों के, इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया कमलनाथ की सरकार ने। और जो स्कूल की और शिक्षा व्यवस्था की जो हालात हैं, उसके लिए दिग्विजय शासन ही सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है, कि अतिथि शिक्षक आपने ऐसे शिक्षकों की भर्ती कर दी, जो स्कूलों की हालात शिक्षकों ने इस तरह से कर दिए कि जिनको पढ़ानी नहीं आता तो वो क्या पढ़ाएंगे, तो ये इसके लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है एक तरह से। हाँ, जिम्मेदार हम ये भी मानते हैं 15 साल में आपने क्या किया भाजपा ने, तो दोनों से मेरा ये सवाल है, पहले फिरोज जी से, कि पहली बार तो शिक्षा व्यवस्था आपने खराब की है मध्य प्रदेश की, उसके लिए आपकी ही सरकार, आपकी ही कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, दिग्विजय, क्या आप नहीं मानते हैं? आपने क्या किया? आप भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े और पत्रकार बन गए, आप थोड़ी लंदन पढ़ के आए थे, कैसे बन गए आप पत्रकार? आप तो खुद ही अपनी जो पढ़े, जिस स्कूल में आप पढ़े आप उसी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जब मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ उस दौर में तो स्कूल बहुत अच्छे थे, शिक्षक भी बहुत अच्छे थे, व्यवस्था तो मेरे बाद में बिगड़ी है जब मैं निकल गया पढ़ के, मेरे दौर में तो अच्छे थे, आपकी सरकार थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो बिगाड़ा किसने? मैं भी 94 में निकला हूँ स्कूल से और इंजीनियर बन गया, और आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। बधाई हो, देश के भविष्य का आगे क्या होगा सर, वो इंजीनियर बन पाएंगे नहीं उन टीचरों के साथ जिन्हें खुद ही किताब पढ़ने आती। फिरोज जी जी, अब आप आइए मुद्दे पे, उन शिक्षकों के साथ देश का भविष्य चल पाएगा क्या? सर्व शिक्षा अभियान आया था, राजीव गांधी सर्व शिक्षा अभियान, जो हर ग्राम पंचायत तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार प्राथमिक शाला लेके गई थी, आप पता करिए, और जब भी हमने ये सारे लोगों को भर्ती किया था उसमें गुणवत्ता अगर कमजोर थी लोगों की तो उनको गुणवत्ता युक्त बनाया जाना चाहिए। दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, फिरोज जी बड़ी बड़ी जानकारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप बताइए कि आप और हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़े और आज हम किस पद पे, आप देख लीजिए, लेकिन वो बच्चे जो आप देश का भविष्य होंगे आने वाले सालों में, 12-15 सालों में वो देश को चला रहे होंगे, क्या उन्हें अंधक नहीं है कि आप जैसे प्रवक्ता बने, आप जैसे इंजीनियर बने, क्यों आखिर उनके साथ दोहरा व्यवहार?
देखिए कोई दोहरा व्यवहार की बात नहीं, मैं तो इस बात पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ कि ये सरकार जो है काम कर नहीं रही, ये सरकार के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्कूल बंद करने से पहले आप वो स्कूल बना लीजिए जहाँ बच्चे लोगों को पहुंचा सकते हैं, उसके बाद स्कूल बंद कर दीजिए, अपने आप ही बंद हो जाएंगे, लेकिन वो व्यवस्था तो है नहीं अभी कहीं। अभी तो बात चल रही है स्कूल पहले बंद हो रहे हैं, इससे पहले रिलायंस को स्कूल दे रहे थे तो हम लोगों ने कांग्रेस ने विरोध किया था कि नहीं शिक्षा लोगों का अधिकार है, इससे पहले जो मध्याह्न भोजन है वो ठेकेदारों के सुपुर्द कर दिया, अब हम उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, खुद ही आप पता कर लीजिए, इसको थोड़ा सा स्वीकार करने की हिम्मत भी रखिए। मैं समझती हूँ कि आप सरकारी स्कूलों में पढ़कर हम भले ही आगे बढ़ गए हों, लेकिन आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्हें सरकारी स्कूलों में रहकर पांचवी कक्षा में बैठने के बाद वो नर्सरी की जानकारी नहीं रख पा रहे हैं सर। हाँ तो वही हमारी सवाल है ना कि आप जो आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधोसंरचना है शिक्षा की, आप उसी को ठीक नहीं कर रहे, जब आप उसको ठीक कर लीजिए फिर आप आगे की बात करिए। ये तो खाली खबर बना रहे हैं, खबर है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये तो मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ। दीपक जी का आवाज मिल रही है? दीपक जी हाँ मिल रही है। दीपक जी, फिरोज जी का कहना है कि भाई हमारे समय में तो सरकारी स्कूलों में पढ़कर हम इंजीनियर भी बन गए, लेकिन आज के समय की अगर बात करें, उनके समय पर तो चलिए हमने तमाम बातें कर ली कि दिग्विजय सिंह शासन काल में शिक्षा व्यवस्था जो बिगड़ी वो अभी तक उसको दुरुस्त करने में समय लग रहा है, लेकिन 15 साल में सर अब यह फॉर्मूला लागू हो रहा है, इससे पहले भी हम प्रयास कर सकते थे, आप मानते हैं देर हो गई? नहीं नहीं, देखिए ऐसा रहता है कि हर समय के हिसाब से प्रयास करने होते हैं, प्रयास किए जाते हैं। हमने पिछले 15 वर्षों में हर गांव के हर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहद बदलाव आया, बेहद अच्छा हुआ है। अब कमी निश्चित तौर पर देश के संसाधनों की है, मध्य प्रदेश के संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं। आप ये भी कह सकते हैं 20 साल बाद भी कदम उठाने होंगे हमको, 40 साल बाद भी बहुत सारे कदम उठाएंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने नहीं नहीं आपने 20 साल पहले क्यों नहीं उठाए, क्योंकि समय के हिसाब से, समय और संसाधनों के हिसाब से कदम उठाना पड़ते हैं आपको। अपनी निजी जरूरतों के बारे में सोचिए, आपके घर में आपने कोई घर खरीदा है, आपने कोई गाड़ी खरीदी है, तो आपके संसाधन है उसी के हिसाब से आप कदम उठाने पड़ते हैं। 20 साल बाद अलग कदम उठाएंगे, 10 साल बाद अलग कदम उठाएंगे, आप ये नहीं कह सकते कि सर आज हमने जो कदम उठाए वो 10 साल पहले क्यों नहीं उठाए। नहीं, लेकिन 10 साल पहले हमारे जो स्कूल खोलना, देश के संसाधनों की सीमाएं, उस हिसाब से हमने पर्याप्त कदम उठाए हैं। मैं फिर निवेदन यही करूंगा कि जो भी मित्र चर्चा कर रहे हैं वो 2003 में स्कूलों का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था और 2018 में क्या था, इन दोनों की तुलना कर लें, मध्य प्रदेश में हमने पर्याप्त बदलाव किया। सर, मानव संसाधन मंत्रालय तक की रिपोर्ट है कि 52% ऐसे शिक्षक हैं, ऐसा आंकड़ा जो आया है कि विदाउट ट्रेनिंग वो काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, उसके बावजूद भी वो सरकार से सैलरी ले रहे हैं, पढ़ाने के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा? हम बिल्डिंगें बना लेंगे लेकिन शिक्षा देने वाले वो गुरु जी नहीं ला पाएंगे जो आगे बच्चों को पढ़ाएंगे, जो उनके भविष्य को, उनके आगे उनके फ्यूचर को डेवलप करेंगे। दीपक जी चलिए, लगता फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पारुल जी, मैं जी बोलना चाह रहा हूँ, जो आपका सवाल दीपक जी से था जी, शिक्षा व्यवस्था को आपको दुरुस्त करना है तो सबसे पहले आप कड़े कदम उठाना पड़ेंगे। आप स्कूल बना दोगे, अच्छे भवन बना दोगे, स्विमिंग पूल बना दोगे, वहाँ पे जिम बना दोगे, ये सारी व्यवस्थाएं कर दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको सबसे पहले निर्णय लेना पड़ेगा कि जो आपके खराब शिक्षक हैं उनको एक साथ बाहर करें। जैसे पिछली बार हुआ था, हमने देखा 16 से 20 शिक्षकों को जो पास नहीं हो पाए थे 3-3 एग्जाम में, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी। तो जो गलत शिक्षकों को आपने भर लिया, सबसे पहले इनको बाहर करना चाहिए, इनकी परीक्षा करना चाहिए, या फिर इनको ट्रेंड करिए आप पढ़ाने के लिए, इनका प्रशिक्षण होना चाहिए बाकायदा, इनकी परीक्षा होना चाहिए, इनको मौका दिया जाना चाहिए कि आपको कैसे शिक्षा देनी है। लेकिन सर ये भी एक सवाल है मेरा, मैं क्या हो सकता है कि आप उससे सहमत हों कि जो बच्चे 12वीं तक पढ़े, यानी 12 साल उन्होंने पढ़ाई की, तब वो 12वीं के स्टूडेंट कहलाए, यानी उतने सक्षम हुए कि वो 12वीं की किताब को या उन चीज़ों को वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब उन टीचर्स को, जब कुछ तो ऐसे होंगे जो रिटायरमेंट के कगार पर होंगे, अब उन टीचर्स को अगर हम ट्रेन भी करते हैं तो भला कितना समय उनको ट्रेनिंग में लगेगा? क्या आप ये समझते हैं कि जिस मैथ्स को हम पूरा साल समझते रहे, सॉल्व करते रहे, उनको हम ट्रेन कर पाएंगे? मतलब ये तो सीधा बच्चों के साथ ही खिलवाड़ है ना कि आप पढ़िए पूरा एक साल उस मैथ्स की बुक को, आपके टीचर तो एक महीने में पढ़ के तैयार हो गए। नहीं बिल्कुल, वही तो मैं आपसे बता रहा था कि पारुल, कि उसमें आपको कैटेगरी बनाना पड़ेगी, पहले उनकी परीक्षा लोगों की, उसमें है, हम कह रहे हैं कि 100% ऐसे नहीं है कि जो पढ़ाने लायक ही नहीं है, उसमें कुछ परसेंट होंगे, जैसे हमने देखा 70, तो उन जो ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं या रिटायरमेंट की कगार पे हैं, उनको आप सेवानिवृत्ति दे दीजिए, 20 साल उनकी हो गई है तो, और जो पढ़ाने लायक हैं,
जो आपको लग रहे हैं उनको रखिए, बाकी के लोगों के लिए दूसरी व्यवस्था कीजिए या उनको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे निर्णय लेना पड़ेंगे और अच्छे शिक्षक आपको भरना पड़ेंगे। आप एक ढांचा बना दो, सीएम राइजिंग स्कूल बना दोगे, भवन बना दोगे, अच्छे सुख सुविधाओं से कर दोगे, तो उससे कोई शिक्षा नहीं मिलने वाली। आप यदि जो अभी पुराने भवन हैं उनमें भी अच्छे शिक्षक दे देंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, तो भी आप देख रहे हैं कितने गरीब बच्चे, ट्यूबलाइट नहीं है उनके घर में, लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, ट्यूबलाइट बाहर जाके लैंप में जाके पढ़ लेते हैं खंबे के नीचे और आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। हमने ऐसे बच्चे भी देखे, गरीब बच्चे। तो आप उनको पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक दे दो, सुख सुविधाएं भले ही मत दो। सुख सुविधाएं दे रहे हो आप इसलिए कि आपको बोर्ड चाहिए, आपको ये बताना है, दिल्ली से तुलना करना है। और आपको स्कूलों में सर पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी होती है, यानी पढ़ाया बहुत अच्छा जाता है, लेकिन बाकी फैसिलिटीज वहां पर नहीं होती। यानी आपको बहुत अच्छा प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा, आपको स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा, आपको बड़ी बड़ी वो बातें जो राइजिंग स्कूल में कही जा रही है वो मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन शिक्षा की क्वालिटी वहां पर बहुत अच्छी होती है। इतना अच्छा वो बच्चा स्कूल से पढ़कर निकलता है कि आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप उसे बिठा लीजिए, वो कम से कम पास तो होकर निकलेगा। तो ये हकीकत है देश की, जिसे सरकारें अगर समझ लें तो आगे हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, वो उनका फ्यूचर डेवलप हो जाएगा। वो आने वाले समय में जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तो उस प्राइवेट स्कूल के बच्चे के कंधे से कंधा मिलाकर बैठेंगे, उसे भी उतना ही आता होगा। तो ये खैर सोचने वाला विषय है, लेकिन देखते हैं 350 स्कूल जब खुलेंगे सीएम राइजिंग स्कूल, उससे क्या हासिल होता है हमारे देश के बच्चों को। हालांकि हम तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं देता तो हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा देश में शिक्षा व्यवस्था, खासतौर पर मध्य प्रदेश, जहाँ के आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं और चीख चीख कर कहते हैं कि शिक्षा की और गुणवत्ता भरी शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे में एक किरण दिखाई दी है, 350 स्कूल मध्य प्रदेश में सीएम राइजिंग स्कूल के नाम से खुले जाएंगे, तमाम सुख सुविधाओं से लैस। लेकिन क्या शिक्षा की क्वालिटी, यानी जो पढ़ाने वाले गुरुजी होंगे वो भी उतनी क्वालिटी से भरे, यानी उनके पास भी उतनी शिक्षा होगी जिसका वो ज्ञान या जिसका वो हुनर देंगे उन बच्चों को? ये तमाम सवाल हैं जो हम चर्चा में उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल तो ये भी रहा कि दिग्विजय सिंह शासनकाल से ही बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था, और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आने के बाद कितनी दुरुस्त हुई, इस पर भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। जो बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कहते रहे कि आप लगाइए अंदाजा 2003 से अब तक का, क्या कुछ दुरुस्त हुआ, कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत कुछ नजर आएगा। आप समझदार हैं, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।